सदा फाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि आप ऊटी जाने का अगर सच में इस वेकेशन में प्लान कर रहे हो तो कैसे जाएं, कहाँ स्टे करें, कौन कौन सी जगह घूमने के लिए बेहद खूबसूरत है, क्या क्या चीजें साथ में आपको कैरी करनी चाहिए और क्या नहीं, ये सारे टॉपिक्स में हम बात करेंगे। एक्चुअली मैंने 2 वीडियोज ऑलरेडी ऊटी की शेयर की है, ये मेरा 3rd व्लॉग है। ऊटी का दिन 3 दिन के लिए ऊटी का प्लान बहुत ही परफेक्ट है। आइए सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ हिंदुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफैक्चरर कंपनी। आपको याद ही होगा पुराने जमाने में पिक्चरें कैसे शूट होती थी, कहाँ पे मूवी फोटोज जो धुलती थी, ये है हमारी पुरानी हिंदुस्तान फोटो फिल्म्स। हम जा रहे हैं पेकारा लेक। जी हाँ, वार्निंग यहाँ पर हर जगह है, टाइगर से मुलाकात आपकी जरूर हो सकती है, क्योंकि ऊटी के रास्तों में कई घनघोर जंगलों से होते हुए जो रास्ते गुजरते हैं वहां पे आपको ये वार्निंग साइन बोर्ड देखने को मिलेगा। तो ये है हमारा पेकारा लेक जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिख रहा है। अभी क्या करें, लोग आ चुके हैं पेकारा फॉल्स और यहाँ पे सब बच्चों के लिए झूले भी हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे एक अलग नया एक्सपीरियंस है, खाने के भी ऑप्शन है, बोटिंग है, आप आकर कर सकते हो। यहाँ पर बोटिंग होती है, अलग अलग चार्जेस हैं, 1000, 1300 पर्सन वाइज है। 8 लोग जैसे आप कंट्री में भी बैठ सकते हो, जैसे 2-3 फैमिली आ गई तो वो कंट्री करके एक बोट पे जा सकती है, तो एक फैमिली को 500 तक कॉस्ट आएगा, क्योंकि 8 लोग चाहिए एक बोटिंग के लिए। 20 मिनट्स का ये ट्रिप है, यहाँ से ये 2 राउंड आपका बोटिंग कवर करेगी, आपको पाइन फॉरेस्ट और नीलगिरी की हसीन वादियों से गुजरते हुए पानी का जो नज़ारा है, वाह क्या कहने, जो सीनिक ब्यूटी है, जितना हो सके मैंने कैप्चर किया है, लेकिन अगर आप खुद देखेंगे तो देखते रह जाएंगे, यहाँ के नज़ारे बहुत खूबसूरत हैं। ये जो पेकारा जो है एक रिवर है जो ऊटी से 19 किलोमीटर दूर है। द बोट हाउस ऑन द पेकारा रिजर्वर इज एन एडेड अट्रैक्शन फॉर द टूरिस्ट। ऊटी इतना साफ है, इतना कहीं आपको कोई कचरा गंदगी देखने को नहीं मिलेगी। मैंने जहाँ भी देखा, ऊटी जितना घूमा है, जितने दिन घूमे हैं, कहीं मुझे कोई गंदगी नहीं दिखी। दो मारेगा क्या हम लोग, मतलब बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही साफ सफाई है यहाँ पर। तो हम लोग वापस अपना 20 मिनट हो गए पूरे, तो ये वापस हम लोगों को वहाँ पे ड्रॉप करेंगे जहाँ से हम चले थे। यहाँ पर आपको कैंटीन भी है ऊपर, आप जो भी स्नैक्स चाहें खा सकते हैं। ये है यहाँ का कैंटीन, यहाँ का डोसा बहुत ही ज़बरदस्त था, आइएगा जब भी ट्राई ज़रूर करिएगा। फॉल्स वो देखो, ये सब दिन पेकारा फॉल्स हर दिन चालू रहता है। यहाँ की टाइमिंग है 8:30 सुबह के, शाम के 5:30 बजे तक ये चालू रहता है। हम लोग पेकारा फॉल्स, लेकिन बहुत डेंजरस, अच्छा तो है लेकिन रिस्की, एडवेंचरस भी है, बिकॉज चारों तरफ हम लोग जो सराउंडिंग में है वो सब जंगल है और टाइगर आने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। बहुत सारे लोग बोल भी चुके हैं कि टाइगर यहाँ पे आए हुए हैं वाइल क्रॉसिंग रोड, तो बहुत ही थोड़ा सा डर लग रहा है। फॉल्स में बहुत सारी सीढ़ियाँ उतर के हम लोग नीचे जाते हैं और उसी सीढ़ियों से आपको चढ़ के वापस आना भी होता है। तो अगर आपको सपोज जैसे इफ़ यू हैव अ जॉइंट प्रॉब्लम, दिस प्लेस इज़ नॉट फॉर यू, क्योंकि अच्छा खासा चढ़ना है उतरना है, लेकिन जो खूबसूरती है जो उतरने के बाद जो देखने को मिलती है वो आप इस वीडियो में देख सकते हो। पेकारा फॉल्स जो है रोड से थोड़ा अंदर है, इसीलिए यहाँ पे गाड़ियाँ चलती हैं जो आपको पिक और ड्रॉप करेगी।
वेल ऑफ डाउन नेचर ट्रेल जो बहुत सारी शूटिंग्स यहाँ पे हुई है। वेनलॉक डाउन्स को शूटिंग पॉइंट्स के नाम से भी जाना जाता है। मेनी सीन्स ऑफ कमला हसन एंड श्रीदेवी मूवी सदमा, राजा हिंदुस्तानी का सॉन्ग पूछो जरा पूछो, शाहरुख खान का सॉन्ग तो आपको याद ही होगा ऐसी दीवानगी देखी नहीं कहीं, जी हाँ, और बरसात मूवी एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट शाहरुख खान की मूवी कुछ कुछ होता है को आप लोग कैसे भूल सकते हो। जी हाँ, जो वहाँ का समर कैंप था वो यही वेनलॉक डाउन में बनाया गया था। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा वेदर है और बहुत अच्छा लोकेशन है। यहाँ पे बहुत सारी शूटिंग हुई है, मैं सारी आपको डिटेल में बताऊंगी। आप देख सकते हो ये है यहाँ का लोकल स्ट्रीट फूड भुट्टे, और ये है यहाँ पर आमरस, और थोड़ी ही दूर पे है वेनलॉक डाउन से ट्री पार्क। यू कैन विजिट ट्री पार्क एनी टाइम ड्यूरिंग द डे टाइम ऑन ऑल डेज ऑफ द वीक विदाउट एनी एंट्री फीस। डिड यू नो दैट द सीनिक ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस हैज बीन फीचर्ड इन मेनी पॉपुलर इंडियन मूवीज लाइक कयामत से कयामत तक, खुदा गवाह, सदमा एंड दिल एंड दीवाना। आइए, हम पहुंच चुके हैं रोज गार्डन। रोज गार्डन जो है, टुडे दिस गार्डन हैज द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ रोजेस सिचुएटेड इन द हार्ट ऑफ ऊटी टाउन। जी हाँ, ये सिटी में है। इट हैज रिसीव्ड अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस फॉर द बेस्ट रोज गार्डन इन एंटायर साउथ एशिया। बहुत, मतलब 3 से 4 एकड़ भी ये फैला हुआ है, इतने सारे कलेक्शन और हाइब्रिड है यहाँ पे रोज के। कौन से ऐसे कलर नहीं होंगे जो आपको देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर सीजन नहीं है तो इसलिए हमें नहीं मिला डोसा। एक बार फिर खाने के बाद, यहाँ डोसे आपको कई वैरायटी के मिलेंगे। पाइन फॉरेस्ट को आप कैसे भूल सकते हैं, यहाँ पर काउंटलेस इंडियन मूवीज की शूटिंग हुई है। ये पाइन ट्रीज, इनमें से जो कुछ पाइन ट्रीज तो 100 साल पुराने हैं। बेस्ट सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फॉर द हनीमूनर्स, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। राज मूवी को आप कैसे भूल सकते हैं, जो लास्ट का सीन था जो आशुतोष राणा का, वो लास्ट एकदम क्लाइमेक्स का सीन। जी हाँ, वो यही शूट हुआ है। अब लोग आ चुके हैं पाइन फॉरेस्ट, और ये यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत लेक है, ग्रीन लेक है, इट्स टोटली ग्रीन है। क्या लग रहा है यहाँ का नज़ारा, आप देख सकते हो, मतलब बहुत खूबसूरत। ऊटी हर जगह पैकारा लेक, मतलब आज पैकारा का टूर था, हर पॉइंट बहुत ही खूबसूरत। तो ये था पैकारा के साइड में जितनी भी साइट्स थी, हम लोगों ने कवर करके अपने होटल पहुंच चुके हैं। 3 दिन का ये ट्रिप था हमारा ऊटी का। ऊटी आप 3 दिन में बहुत अच्छे से घूम सकते हो। एक दिन तो आप ऊटी को ही अच्छे से एक्सप्लोर करोगे, दूसरे दिन आप कुनूर घूम सकते हो। पूरा दिन, एक दिन काफ़ी है। आज का हमारा लास्ट डे है और ट्रिप हमारी ख़त्म हो गई है, थक गए हैं। अच्छा भी नहीं लग रहा है आज पैकिंग करनी, क्योंकि कल फ्लाइट है हमारी, निकल जाएंगे। आज हम लोग थोड़ा जल्दी आ गए इसलिए होटल में, क्योंकि यहाँ की इवनिंग मिस नहीं करनी है, क्योंकि ये होटल स्काईडेल का व्यू बहुत खूबसूरत है। हेलो एवरीवन, आज हम लोग जल्दी आ गए अपने होटल में, क्योंकि कल हम लोगों की फ़्लाइट है। और आज की शाम जो स्काईडेल होटल की बहुत ही खूबसूरत है, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, मैं पूरा व्यू आपको पीछे से दिखाती हूँ। ये है रुआन की मस्ती चालू है, दीजा।
तो जा रही हूँ गर्मा गर्म चाय पीने, क्योंकि यहाँ पे वेदर बहुत ठंडा हो रहा है, क्लाइमेट ठंड से लग रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। शाम हो रही है तो आप भी चाय पी लीजिए। तो ये डिटेल वीडियो आप लोगों ने देख ली ऊटी की, इतने सारे पॉइंट्स मैंने दिखाए, हर चीज़ बताई। तो इसी के साथ मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए जिससे सबसे पहले वीडियोस आपके पास पहुंचे। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।